इसलिए एक किसी को दिखरे को बखत में देख देख करके ना जलो, अपना कार्य में लगो। अमूल्य समय को उस टाइम देखते हुए उस कार्य का समय उसमें परिवर्तित करो। इंतजार ना करो, जो टाइम निकल गया फिर भैया वो वापस आने वाला नहीं है। तो इसलिए जिंदगी का एक एक दिन अमूल है हम आपके लिए। कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पशुओं की भांति जीते हैं, कुछ लोग पशुओं की भांति जीते हैं। ना घरवार की चिंता है, ना मकान की चिंता है, ना पत्नी की चिंता है। चिंता है तो सिर्फ अपनी। यूं गए ठेके पर, थैलियां लगाई और चुपचाप घर चले आए। पत्नी ने कुछ कहा भी तो उल्टी सीधी चार सुनाई। पत्नी अगर अच्छे कार्य से कहा तो उनको उल्टी सीधी सुनाया पति ने। तो अच्छाई बांटी जा रही, लेकिन अच्छाई कोई लेना नहीं चाह रहा है भैया। अच्छाई मारी मारी घूम रही, लेकिन अच्छाई लेना नहीं चाहता। हम आपको एक उदाहरण बता दें, बात आपकी समझ में आ जाएगी। एक किसी चौराहे पर एक मेज लगा दीजिए और 5 किलो देसी घी रख दीजिए और 5 किलो दारू खोल के डब्बा भर के रख दो, तो दारू गायब हो जाएगी। देसी घी कोई ना ली, देसी घी हमारे पंजन का भले आएगा तो अंगूर चाट ले ली, बाकी घी कोई भैया ने पूछी, दारू सब झपटे हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, वैसे तो यहाँ कोई पीता नहीं, जो लोग पीते भी हैं तो इससे दैत्य धन्वंतर ने इसको भी निषेध बताया है। दैत्य धन्वंतर ने इसको भी निषेध बताया, पूर्ण अंगों में आयु नहीं रह जाती है पीते जिस दम दारू का प्याला। जब शरीर के अंदर दारू जाती है तो अकल बाहर आ जाती है। इसलिए सभी लोगों से हमारी विनती है कि सबको राह समझाई, दारू मत पिया भाई। सबको राह समझाई, दारू मत पिया भाई। सबको राह समझाई, दारू मत पिया भाई। और भैया लोगन से यह अर्जी, माना चाहे ना माना तुम्हारी मर्जी। समझाने का हमारा काम है, समझाने का हम लोगों का काम है। मानोगे तो कहीं ना कहीं से कल्याण होगा। और जब भैया किसी बात को कथन नहीं करोगे, जो बात मानने लायक है वो बात मानो, और जो बात नहीं मानने लायक है वो बात नहीं माननी चाहिए। जो बात मानने लायक है तो आप कोई मानिए, और जो बात नहीं मानने लायक है वो बात नहीं माननी चाहिए। भाई कोई बात आपसे कह रहा, अगर वह सिद्ध है तो मेरे दिमाग में बैठ रही तो उसका मानो, नौका निकाल दो। खराब बात दिमाग से निकालो, अच्छी रखो, हमेशा दिमाग सही रहेगा।